उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर बने मंदिर और घाटों पर दर्शनार्थी बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्षिप्रा नदी पर कई प्रमुख मंदिर आते हैं और कई प्रमुख घाट भी, जहां पर इन दिनों बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों का मानना है कि धार्मिक नगरी उज्जैन के क्षिप्रा नदी में स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए हम यहां आते हैं और पूजा पाठ ध्यान कर अपनी धार्मिक यात्रा को संपन्न करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जय महाकाल, जय माँ क्षिप्रा। क्षिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्म अध्यापहारिणी अवंतिकायाम विशेषेण क्षिप्रा उत्तरवाहिनी। ये अवंतिका तीर्थ है, उसमें क्षिप्रा नदी के तट पर यह राम घाट है, जिसे पिशाच मुक्तेश्वर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पिशाच मुक्तेश्वर तीर्थ संगमम नीलगंगायाम यावत गांधर्वदिनी तयोर मध्ये द्वया क्षिप्रा तीर्थे पिशाच मोचने। इस स्थान पर जो है पिंडदान इत्यादि पूर्वजों के निमित्त करने से, अन्य पूजन पाठ करने से जो अपने पूर्वजों का अक्षय रूप से तृप्ति होती है, अखंड रूप से उनका मोक्ष होता है और वैकुंठ लोक की सदगति की प्राप्ति होती है। कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या रहता है यहाँ पर? पूरे भारतवर्ष के बाहर से भी, इस देश के बाहर विदेश से भी यहाँ पर भक्तजन आकर के अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान दर्पण जलदान इत्यादि करके जाते हैं और अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।